लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। तृणमूल कांग्रेस ने उसको सस्पेंड कर दिया, तो अभी तो उनका पास एक ही रास्ता था, जो उसको सांसद पद रखेंगे या छोड़ेंगे, तो छोड़ दिया, अच्छा काम है। बस इसके आगे वो क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, उनका रणनीति क्या होगा, वो पहले तय करें। इसमें हम लोगों को कुछ करने का नहीं है। कोई भी लीडर किसी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, वो तो सौजन्य साक्षात्कार होता ही है। मुकुल राय तो अधीर चौधरी से भी मिला, कांग्रेस का जिन्होंने सभापति है, तो ऐसे ही भाजपा लीडर लोगों के साथ भी मिला। पॉलिटिक्स में ऐसा हम नहीं मानते जो कोई छुआछूत, हमने ऐसा मानते हैं जो हम नीति का खिलाफ, नीति का विरोध करेंगे। और संबंध जो है, संबंध रहे, सौजन्य रहे, ऐसा ही पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ उछालने का या ज़्यादा कुछ खोजने का कोई मौका नहीं है। कोई पार्टी से कोई आदमी टूट के आएगा तो उसी पार्टी कमज़ोर तो होगा ही, और वो बड़ा नेता होगा तो ज़्यादा कमज़ोर होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो इसका नतीजा क्या होता है। तृणमूल का ऐसा विनाश तो होगा ही होगा, तृणमूल का विनाश निश्चित है, वो तो होगा ही। और तृणमूल कांग्रेस से बहुत लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे तृणमूल कांग्रेस, ऐसा मेरे को लगता है। वो आगे चल के हमको देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, दार्जिलिंग मुद्दा तो चर्चा का विषय ही है। दार्जिलिंग तो शांत नहीं हुआ, अभी भी गर्मा रहा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कोई जनतंत्र अभी नहीं है, एक पुलिस राज और गुंडा राज चल रहा है, दबाव नीति चल रहा है दार्जिलिंग में। तो इसीलिए दार्जिलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया करके जो नाराबाजी तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, वो कितना गलत है, इन दिन का घटना में सारी चीज़ हम लोग का सामने आया। इसलिए दार्जिलिंग का स्थिति अभी भी सुधरना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, दमन नीति से नहीं होगा। अभी भी चर्चा का रास्ता खुला रखना चाहिए और आलोचना का माध्यम में ही इस चर्चा का हल होना चाहिए। नहीं, अभी उन्होंने खुद ही वहाँ क्लियर किया है प्रेस में कि अभी मैं छुट्टी में जाऊँगा, सब पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है, तो अभी मन नहीं बनाया किस पार्टी में आएंगे। जिस दिन घोषणा कर देंगे, अगर घोषणा कर देंगे मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ, तो बीजेपी के लिए हम लोग सोचेंगे उनके बारे में, पार्टी की जो फोरम है उसमें इसका चर्चा होगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस ढंग से लेना चाहिए, तो फिर वो जो निर्णय होगा हम आपको बताएंगे उस समय। देखिए, मुकुल बाबू एक हरफरमौला खिलाड़ी है, सब पार्टी के लोगों के साथ उनका अच्छा जान पहचान है, जाना आना मिलना जुलना ये कोई नई बात नहीं है। और जब से भाजपा के साथ TMC का अलायंस भी हुआ था 98 से लेकर के, और उन्हीं के द्वारा आना जाना, संपर्क करना, बातचीत करना ये रहा है, आज भी वो संपर्क है। लेकिन इस परिस्थिति में जबकि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तब लोगों का धारणा है कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी मन बना लें। और अभी तो उनकी अंदरूनी मामला तक था, अब रिजाइन कर दिया सब पद से, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, उसका आधार पर हम भी निर्णय लेंगे। बिल्कुल, मुकुल बाबू एक बहुत बड़ा खंभा थे पार्टी को बनाने वाले, पार्टी को बढ़ाने वाले, बल्कि आज तृणमूल का जो विस्तार हुआ है, दूसरे पार्टी से लोगों को ला करके पार्टी खड़ा करना, ये सब उनके द्वारा हुआ है। दुर्भाग्य है उनका कि पार्टी में टिक नहीं पाए, किसी भी कारण से हो तो उनको जाना पड़ा, इससे जरूर कमज़ोर होगा TMC। भाजपा पूरी तरह तैयार है, हर बूथ तक हमारे संगठन पहुंचाने के प्रयास हो रही है, लगभग बूथ में पहुंच गया, थोड़ी बहुत बाकी है। कुछ संख्यालघु क्षेत्र में थोड़ा कमज़ोर है हम लोग, क्योंकि उनको भड़काया जाता हमारे खिलाफ। आज भी एक बहुत बड़ा संख्यालघु नेता ज्वाइन किया पार्टी में, हर जिला में ज्वाइनिंग हो रही है उनको, आज जो सच्चाई है वो सामने आ रही है उनको, क्योंकि बीजेपी शासित 18 राज्य हैं, केंद्र में हमारी सरकार है। आज मुसलमान या तो संख्यालघु जितना सुरक्षित है कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं थे, उनकी भी आर्थिक प्रगति हो रही है, सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी लाभ उनको भी मिल रही है, तो इसलिए हमारी तरफ आ रही हैं मुसलमान भी, वो भी जुड़ेंगे। और बीजेपी एकमात्र शक्ति है जो विकल्प रूप में इस बार खड़ा होगा और TMC को टक्कर देगा। इंडिया तो जरूर बनेगा, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इससे भी और ताकतवर बनकर बनेगा, किसी की तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा।